चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रिक्शन लेस टेबल, वन हैज मास स्मॉल m, द अदर 2m एज शोन इन द फिगर, फोर्स f इज अप्लाइड ऑन मास 2m, यानी इधर से फोर्स लगाया गया, देन सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है, नाउ द सेम फोर्स f इज अप्लाइड ऑन स्मॉल m, यानी इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन कॉन्टेक्ट, यानी दोनों ब्लॉक के बीच में जो दोनों सिनेरियो में फोर्स एक्शन रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, दो डिफरेंट केसेस हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस ये 2m का मास है, ये m है, ये 2m, ये m, फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, बड़े वाले मास पे एफ न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो दोनों बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से, पहला सिचुएशन है तो A1 एक्सेलरेशन से चलेगी दोनों मासेस, तो अगर मैं एफ नेट अप्लाई करूं, एफ नेट इज इक्वल टू एम टी इंटू ए, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ सिंगल फोर्स है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो सिर्फ एफ न्यूटन का फोर्स लगेगा, मास कितना होगा 3m, क्योंकि 2m प्लस m टोटल मास सिस्टम का, इसको A1 एक्सेलरेशन हमने कंसिडर किया है क्योंकि ये पहला केस है, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी f अपॉन 3m, ये हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन जो लग रहा है N1 पहले केस के अकॉर्डिंग N1 लग रहा है, तो अगर मैं इस स्मॉल m मास का FBD बनाऊं, अगर स्मॉल m मास का अगर मैं FBD बनाऊं तो क्या होगा, सिर्फ एक ही N1 फोर्स इधर लगेगा और एक्सेलरेशन a होगा राइट, A1 होगा राइट साइड में, तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एफ नेट कितना होगा N1 और उसकी वैल्यू कितनी होगी, m इंटू एक्सेलरेशन कितना, f अपॉन 3m, mm कटा, तो N1 की वैल्यू आ गई f अपॉन 3, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में मैं दूसरे का फिर से दूसरे केस के लिए अप्लाई करता हूं, ये 2m है और ये m है, फोर्स अब इधर से लगाया जा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन कितना होगा N2 इस पे, ठीक है, और बॉडी एक ही एक्सेलरेशन से अगर एफ न्यूटन को फोर्स लगा रहे हैं तो A2 एक्सेलरेशन से मान लेते हैं लेफ्ट साइड में मूव करेगी, तो इस केस में एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, एमटी इंटू A2 कंसिडर कर लेते हैं, एफ नेट की वैल्यू क्योंकि एक्सटर्नल एक ही फोर्स है सिंगल एफ, तो यहां एफ मैं यूज करूंगा, एमटी की वैल्यू 3m के इक्वल होगी क्योंकि सिस्टम का मास यूज करना है, 3m इंटू A2, तो A2 की वैल्यू आ गई f अपॉन 3m। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूं दूसरे वाले 2m वाले मास पे फोर्स की बात करूं तो N2 फोर्स लग रहा है और A2 एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड में यू मूव कर रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू a, अगर इस पे अप्लाई करूं तो नेट फोर्स सिर्फ N2 है, सो N2 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 2m है, 2m इंटू A2, तो इट मींस A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू अगर तो मैं यहां से लिख देता हूं, एक मिनट, N2 इज इक्वल टू 2m इंटू f अपॉन 3m, m से m कट जाएगा, तो ये N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 इज इक्वल टू 2f अपॉन 3 आएगा, और पहले केस में रिएक्शन फोर्स आया था f अपॉन 3 और इसमें 2f अपॉन 3, तो पहले सिचुएशन में और दूसरे सिचुएशन में दोनों में कितना होगा, पहले केस में फोर्स 2m पे लगाया जा रहा है, दूसरे केस में आप m पे लगा रहे हो, तो मैंने उल्टा किया, मैंने सीधा किया, सही सीधा तो किया, ठीक है, तो मैं फोर्स का रेशियो निकाल लेता हूं, तो क्या होगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू f अपॉन 3 अपॉन 2 f अपॉन 3, 3 से 3 कटा, f से f कटा, 1/2 होगा, N1 बाई N2 इज इक्वल टू 1/2, कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।